एक बार कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर डोपामिन पर रिसर्च किया। उन्होंने एक चूहे के दिमाग में कुछ इलेक्ट्रोड फिट कर दिया और उस चूहे को एक बॉक्स में डाल दिया। उस बॉक्स में साइंटिस्ट ने एक लेवर लगा दिया। अब जब भी वह चूहा उस लेवर को प्रेस करता तो साइंटिस्ट उस चूहे के दिमाग में थोड़ा डोपामिन रिलीज कर देता। अब चूहे को और डोपामिन चाहिए थी, जिस वजह से वह उस लेवर को बार बार प्रेस करने लगा। उस चूहे को बार बार डोपामिन मिलने की वजह से उसका खाने पीने पर भी कोई ध्यान नहीं था। पर एक टाइम के बाद साइंटिस्ट ने उस चीज को बदल दिया, जिस वजह से चूहा जब उस लेवर को प्रेस करता तो उसे कोई डोपामिन नहीं मिलता था। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से साइंटिस्ट को डोपामिन के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली, जिसे मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको ये भी बताऊंगा कि डोपामिन डिटॉक्स की मदद से आप कैसे मुश्किल कामों को आसान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, डोपामिन क्या है और यह कैसे काम करता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे हमारे दिमाग में कुछ सेट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उन्हीं में से एक होता है डोपामिन। डोपामिन हार्मोन्स के रिलीज होने पर हमें अच्छा फील होता है, पर डोपामिन हमें सिर्फ अच्छा ही फील नहीं करवाता, ये हमारे अंदर किसी काम को करने की डिजायर भी पैदा करता है। जब आपको किसी काम को करने का मोटिवेशन मिलता है तो वो डोपामिन के ही रिलीज होने पर होता है। तो अब जानते हैं कि डोपामिन काम कैसे करता है। मैं आपको बता दूं कि आप दिन में जैसे भी छोटी बड़ी काम करते हैं उन सभी में आपको डोपामिन मिलता है। जैसे कि आप कोई अपना पसंदीदा खाना खाते हैं तो उससे आपको डोपामिन मिलता है, और अगर आपको बहुत तेज प्यास लगी है और आप जाके पानी पीते हैं तो उससे आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और तो और, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पता होगा कि जिस दिन सैलरी मिलने वाली होती है उस दिन आपको कितना अच्छा फील होता है। ये इसलिए क्योंकि आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, और ये सैलरी मिलने का डोपामिन ही आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। पर इस सैलरी के डोपामिन के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। पर यही डोपामिन जब हमें आसानी से मिलने लगती है तो वह हमारे लिए बुरा बन जाता है। पर कैसे, यह आपको आगे बताएंगे। नंबर टू, कैसे सस्ता डोपामिन हमें बर्बाद कर रहा है। आज के टाइम पर आपका अटेंशन बहुत वैल्यूएबल है, और आपका यही अटेंशन लेकर लोग पैसा कमा रहे हैं और कमाना भी चाहते हैं। और आपके इसी अटेंशन को पाने के लिए लोग डोपामिन का यूज करते हैं। सोशल मीडिया ऐप डेवलपर सोशल मीडिया को ऐसे डेवलप करते हैं कि आपका उससे अटेंशन हटे ही नहीं और आपके माइंड को ज्यादा से ज्यादा डोपामिन मिल सके और आप उसके एडिक्ट हो जाएं। अभी के समय में ये हो भी रहा है। फूड्स के मामले में जंक फूड्स कंपनी जानबूझकर ऐसी चीज आपके खाने में डालते हैं जिसे खाने के बाद आपके माइंड को ज्यादा से ज्यादा डोपामिन मिल सके और आप उन जंक फूड के एडिक्ट बन जाएं। और तो और वीडियो गेम्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। आप जब कोई गेम्स खेलते हो तो आप अगर कोई लेवल पार कर लेते हो तो आपके माइंड में ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, और यही चीप और इजीली मिलने वाला डोपामिन हमारे लिए बुरा होता है, क्योंकि इस डोपामिन को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ ही इंचेस की दूरी होती है आपका और इन सोशल मीडिया एप्स के बीच में। सोशल मीडिया ओपन करो और डोपामिन मिलना शुरू, वीडियो गेम्स ओपन करो और डोपामिन मिलना शुरू। क्या आपको पता है कि रील और शॉर्ट्स जैसे वीडियो का इतना ज्यादा वायरल होने का रीजन क्या है? वो है डोपामिन, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस कुछ सेकंड में ही डोपामिन हिट दे देते हैं, इसलिए लोग ऐसी कंटेंट स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने आप को स्क्रॉल करने से रोक नहीं पाते हैं। पर ये शॉर्ट कंटेंट क्या हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा है? क्योंकि आपको जितना ज्यादा इन शॉर्ट्स और रील वीडियो से डोपामिन हिट मिलता रहेगा आप उतने ज्यादा आलसी और मेंटली कमजोर होते जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा माइंड और हमारा बॉडी खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से रखती है। फॉर एग्जांपल, जो आदमी कभी शराब नहीं पीता अगर वह पहली बार शराब पीता है तो वह शायद एक बोतल पीकर ही नशे में आ जाए, लेकिन वहीं पर जो आदमी हर रोज शराब पीता है उसे नशा पाने के लिए शायद 3 से 4 बोतल की जरूरत पड़े। यही सेम चीज डोपामिन पर भी लागू होती है। जब हम किसी चीज से हाई अमाउंट में डोपामिन लेते रहते हैं तो हमारा माइंड धीरे धीरे उतने डोपामिन के लिए एक टॉलरेंस बिल्ड कर लेता है, और फिर इतने अमाउंट का डोपामिन हमारे लिए नॉर्मल बन जाता है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और जंक फूड जैसी चीजें हमारे माइंड में बहुत हाई अमाउंट की डोपामिन रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारे डोपामिन टॉलरेंस का लेवल बढ़ जाता है। और डोपामिन लेस करने वाले काम जैसे बुक्स रीडिंग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन हमें बोरिंग लगने लगते हैं। तो अब बात करते हैं इजीली मिलने वाले इस डोपामिन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। डोपामिन डिटॉक्स, जिसे डोपामिन फास्टिंग भी कहते हैं, इसमें आपको करना यह है कि जितने भी हाई डोपामिन रिलीज करने वाले एक्टिविटीज हैं जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, सोशल इंटरेक्शन, टीवी, इन सभी चीजों को बहुत कम कर देना है या अवॉइड कर देना है। इसकी जगह पर आप बुक्स रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो,
पानी पी सकते हो, बस किसी हाई डोपामिन रिलीज एक्टिविटीज में आपको नहीं घुसना है। सरल शब्दों में कहूँ तो आपको अपनी लाइफ में डोपामिन का लेवल बहुत कम करना है, और जब आप इस चीज को लंबे समय तक करोगे तो आपका माइंड डोपामिन लेवल को वापस से नॉर्मल में ले आएगा, और जो चीजें आपको बोरिंग और मुश्किल लगते थे वो आपको आसान और अच्छे लगने लगेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को एक बार समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज डोपामिन एंड हाउ इट वर्क। डोपामिन हमारे माइंड का एक हार्मोन है जिसके रिलीज होने पर हमें अच्छा फील होता है, और इसकी वजह से ही हमारे अंदर किसी काम को करने की डिजायर और मोटिवेशन पैदा होती है, और डोपामिन का हमारी हैबिट्स बनाने में की रोल होता है। सेकंड, हाउ चीप डोपामिन डिस्ट्रॉय अस। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स जैसी चीजों से हमें एक्सेस अमाउंट में डोपामिन मिलता है, और इस डोपामिन को पाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये एक्सेसिव अमाउंट डोपामिन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थर्ड, डोपामिन डिटॉक्स एंड इट्स बेनिफिट्स। डोपामिन डिटॉक्स, जिसे डोपामिन फास्ट भी कहते हैं, इसमें आप सभी डोपामिन एक्टिविटीज से खुद को दूर रखते हैं, एंड लो डोपामिन एक्टिविटीज जैसे बुक्स रीडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, राइटिंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, और हाई डोपामिन एक्टिविटीज से दूर रहने पर आपकी माइंड के डोपामिन लेवल फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, और इस तरह से आपका पूरा माइंड रिसेट हो जाता है, और इस तरह आप एक स्ट्रांग और डिसिप्लिन इंसान बन जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, और आप ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।